मोदी कैबिनेट में शामिल नहीं होंगे अरुण जेटली। बीमार अरुण जेटली ने लिया सरकार से संन्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके शपथ लेने से पहले कैबिनेट को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। इसको लेकर पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बीच करीब 5 घंटे बैठक भी हुई, लेकिन संभावित मंत्रियों को लेकर लगाए जा रहे कयासों के बीच मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वित्त मंत्री रहे अरुण जेटली ने सरकार से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। दरअसल अरुण जेटली ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कैबिनेट में शामिल नहीं करने का अनुरोध किया है। अपनी इस चिट्ठी में जेटली ने बीमारी का हवाला देकर कैबिनेट में शामिल होने में असमर्थता जताई है। पीएम मोदी को लिखी अपनी चिट्ठी को जेटली ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, मेरी सेहत पिछले कुछ समय से खराब है और डॉक्टरों ने आराम करने की सलाह दी है। मैं ये खत विनती करते हुए लिख रहा हूँ कि मैं अपने स्वास्थ्य और अपने लिए वक्त चाहता हूँ, इसलिए मैं किसी भी तरह की जिम्मेदारी वर्तमान और नई सरकार में नहीं संभाल सकता हूँ। इतना ही नहीं, पीएम मोदी का आभार जताते हुए जेटली ने लिखा है कि उनके नेतृत्व में देश के विकास को नए रास्ते पर ले जाने का मौका मिला। पार्टी में रहते हुए मुझे संगठन स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई। एनडीए की पहली सरकार में मंत्री पद और विपक्ष में रहते हुए भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने का मौका मिला। मैं इससे ज्यादा की कुछ और मांग नहीं कर सकता। खराब सेहत का हवाला देते हुए जेटली ने लिखा कि पिछले 18 महीनों से मैं गंभीर बीमारी से पीड़ित हूँ। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद जब आप केदारनाथ जा रहे थे, तब मैंने आपको औपचारिक तौर पर कहा था कि स्वास्थ्य कारणों से मैं भविष्य में कोई भी जिम्मेदारी उठाने में असमर्थ रहूंगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों ही अचानक अरुण जेटली के स्वास्थ्य को लेकर सोशल मीडिया पर खबर खूब वायरल हुई थी, जिसके बाद सरकार ने सफाई में कहा था कि मीडिया के एक तबके में केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर जो खबरें चल रही हैं, वो पूरी तरह गलत और निराधार है। आपको बता दें कि पिछले साल मई में अरुण जेटली की किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। इसके बाद जेटली के बाएं पैर में सॉफ्ट टिश्यू कैंसर हो गया, जिसकी सर्जरी के लिए वो इसी साल जनवरी में अमेरिका भी गए थे। फिलहाल वो कीमो के दौर से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।